Let's continue our topic. In my last lecture, मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, फर्स्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से रिलेटेड कंप्लीट थ्योरी पोर्शन में बता चुका था. मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का क्वांटिटेटिव एनालिसिस बताया था. सबसे पहले तो मैंने क्वालिटेटिव एनालिसिस बताया था कि किस तरह से हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होने वाली रिएक्शन समझेंगे, और पिछले लेक्चर में मैंने यह बताया था कि किस तरह से हम कितनी रिएक्शन हुई है, कितना ऑक्सीडेशन हुआ है, कितना चार्ज पास हुआ है, कितना करंट कितने समय के लिए पास हुआ है, इन सभी चीजों को हमने समझा था. मैंने मेरे पिछले लेक्चर में जो एक शीट दी थी, दैट शीट वॉज ओवर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. उसमें मैंने 22 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दिए थे और 22 ऑब्जेक्टिव्स दिए थे. एंड ऑल दोस प्रॉब्लम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स वे आर इलस्ट्रेटिंग द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. आई होप ऑल ऑफ यू हैड फिनिश्ड अटेम्प्टिंग दैट शीट. हम उस शीट का डिस्कशन करेंगे. उसके बाद मैंने आज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पर ही सेकेंड शीट आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करी है. दैट इज ओवर द एडवांस कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. खास बात आप शीट में देखेंगे, मैंने सिर्फ अनसॉल्व प्रॉब्लम ही नहीं दिए हैं, पहले मैंने कुछ सॉल्व प्रॉब्लम दिए हैं. देयर इज अ कलेक्शन ऑफ सॉल्व प्रॉब्लम्स. सॉल्व प्रॉब्लम देने के पीछे द बेसिक आइडिया इज, क्योंकि अब समय भी कम है, हमें डिस्कशन के लिए समय हम निकालने की कोशिश अवश्य करेंगे, मगर मैं चाहता हूं कि पहले आप जब सॉल्व प्रॉब्लम पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम की कंडीशन भी आपको दिखेगी, आप उस प्रॉब्लम पर अटेम्प्ट भी लगाएंगे और उसका सॉल्यूशन वहां पर दिया हुआ है, तो जहां कहीं पर आप अटकेंगे तो उसका सॉल्यूशन देखकर एक सेल्फ लर्निंग प्रोसेस भी हो जाएगा. वहां कुछ 10-12 सॉल्व प्रॉब्लम है, उसके बाद में मैंने कुछ अनसॉल्व प्रॉब्लम का कलेक्शन दिया है. उस अनसॉल्व प्रॉब्लम्स को जब हम करेंगे तो दोबारा हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की और थ्योरी को हम डिस्क्राइब करेंगे, मगर उसके लिए पहले आपको वह शीट करना होगी, और शीट को करने के बाद कितने प्रॉब्लम्स आपसे बन रहे हैं यह इंश्योर करना होगा, फिर कितने प्रॉब्लम्स नहीं बने उनको मार्क करना होगा, फिर जब आप डाउट्स रेज करेंगे तब हम उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, तब हम थोड़ा और डीप में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में समझेंगे. हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करते समय अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कंडीशंस को भी देखेंगे, मगर वो तभी होगा जब आप पहली अब अटेम्प्ट लगा लें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन के दौरान. अब फ्रॉम दिस लेक्चर ऑनवर्ड, फ्रॉम दिस मोमेंट ऑनवर्ड, लेट मी प्रोसीड टू द सेकेंड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दैट इज गैल्वेनिक सेल्स. The second part of the chapter is galvanic cells. As I had already described you, had already informed you कि galvanic cell में हम क्या सीखेंगे. Here we'll learn the conversion of chemical energy into electrical energy. Conversion of electrical energy into, conversion of chemical energy into electrical energy. Electrolytic cell में हमने conversion of electrical energy into chemical energy सीखा था, इधर हम सीखेंगे conversion of chemical energy into electrical energy. It's reversed of electrolytic cell. हम देखेंगे the driving force is a chemical reaction. Chemical reaction होगी और उस chemical reaction के होने से circuit
में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगा, और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जब करंट फ्लो होगा तो आप वहां पर कोई भी इलेक्ट्रिकल वर्क करवा सकते हो, लाइक आप चाहे तो बल्ब जला सकते हो, आप विजल बजा सकते हो, इस तरह के इलेक्ट्रिकल वर्क वहां पर करे जा सकेंगे। मैं समझाता हूं किस तरह से। देखिए, जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन, अ बीकर फिल्ड विथ एक्वस कॉपर सल्फेट। इस बीकर में वी हैव गॉट एक्वस कॉपर सल्फेट। इस एक्वस कॉपर सल्फेट में कॉपर सल्फेट का डिसोसिएशन होगा, ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएशन होगा, और वहां पर कॉपर आयन और सल्फेट आयन फ्रीली फ्लोट करेंगे, फ्रीली माइग्रेट करेंगे, मगर वहां पर किसी तरह का कोई केमिकल फिनोमेना नहीं होगा। यह सॉल्यूशन ब्लू कलर का होगा, क्योंकि एक्वस कॉपर सल्फेट हम अच्छी तरह से जानते हैं, यदि एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट हो तो व्हाइट कलर का होता है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट व्हाइट कलर का होता है, मगर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट गेट्स हाइड्रेटेड बाय 5 वाटर मॉलिक्यूल्स CuSO4.5H2O, यह ब्लू कलर का होता है, वी कॉल इट ब्लू वाइट्रॉल, नीला थोता, और इसका उपयोग भी बता दूं, ये जहर होता है इनफैक्ट, एंड इट्स यूज्ड फॉर पॉइजनिंग द रैट, रैट पॉइजन के रूप में इस्तेमाल होता है। जनरली चूहों को यदि मारना है तो ब्लू वाइट्रॉल की छोटी छोटी गोलियां, छोटे छोटे इसके क्रिस्टल्स आटे की गोली में इसको रैप करके आप रख देते हैं, तो जो चूहा होता है वो आटे की गोली खाने आता है, साथ में ब्लू वाइट्रॉल को खा जाता है और मर जाता है। इट्स यूज्ड एज अ रैट पॉइजन। और इस कॉपर सल्फेट का जब आप एक्वस सॉल्यूशन बना देते हो, पानी के अंदर जब आप इसको मिला देते हो, तो वहां ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन होता है। अब इस ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन में यदि हम जिंक रॉड डिप कर दें, यदि इस ब्लू कलर्ड एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक रॉड डिप कर दी जाए, जिंक रॉड के डिप करते से ही वी वुड ऑब्जर्व डिसअपीयरेंस ऑफ ब्लू कलर्ड कलरेशन इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर हम ब्लू कलरेशन को डिसअपीयर होता हुआ देखेंगे। नॉट ओनली दैट, वी वुड ऑब्जर्व डिपोजिशन ऑफ रेड कलर्ड मेटालिक कॉपर ओवर जिंक रॉड। ये दो जिंक रॉड हमने डिप करी है, इस जिंक रॉड के ऊपर रेड कलर का मेटालिक कॉपर हम डिपॉजिट होते हुए देखेंगे, एंड दिस इज अ स्पॉन्टेनियस फिनोमेना, इट्स अ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, इट जस्ट नीड इनिशिएशन, वंस इनिशिएटेड इट गोस ऑन इट्स ओन, it does not need support of any external agent. जरा हम सोचे कि वहां पर हो क्या रहा है। सॉल्यूशन के अंदर से ब्लू कलरेशन डिसअपीयर हो रहा है, इसका मतलब है सॉल्यूशन के अंदर कॉपर सल्फेट खत्म हो रहा है, क्योंकि वहां पर ब्लू कलरेशन कॉपर सल्फेट की वजह से ही। इसका दूसरा प्रमाण यह भी है कि जिंक इलेक्ट्रोड पर रेड कलर का मेटालिक कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, इसका मतलब है सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर सल्फेट है उसका जो कॉपर है वह रिड्यूस हो रहा है, वह मेटालिक कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, और मेटालिक कॉपर में कन्वर्ट होकर जिंक इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो जा रहा है। तो जरा सोचिए कि वहां पर क्या रिएक्शन हो रही हो। वहां पर डेफिनेटली
कॉपर सल्फेट रिड्यूस हो रहा है, कॉपर आयन रिड्यूस हो रहा है, और कौन रिड्यूस कर रहा है? जिंक इलेक्ट्रोड पर जो जिंक मेटल है वह कॉपर को रिड्यूस कर रहा है। इसका मतलब निश्चित जिंक इलेक्ट्रोड का जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। बेसिकली वहां पर जो रिएक्शन हो रही है दैट मस्ट बी दिस रिएक्शन, जिंक मेटल व्हेन डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, वहां पर जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, जिंक सल्फेट बन रहा होगा और कॉपर रिड्यूस होके मेटालिक कॉपर बन रहा होगा। डेफिनेटली दिस रिएक्शन मस्ट बी टेकिंग प्लेस हियर एंड इट्स अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय स्पॉन्टेनियस रिएक्शन? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मीन्स दैट द रिएक्शन विच ऑलवेज गोस ऑन इट्स ओन, विच जस्ट नीड इनिशिएशन। वंस इनिशिएटेड it goes on its own, it does not require support of any external agent, jisko kisi tarah ke koi external agent ki support ki aavashyakta nahi. Ab hum zara soche, let's look into this reaction ki vastavikta mein jab ho kya raha. Zinc metal metallic form mein hi, jabki एक्वस सॉल्यूशन में जो कॉपर सल्फेट है, एक्वस कॉपर सल्फेट में कॉपर सल्फेट पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है, ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएट हो जाता है और वहां पर कॉपर आयन अलग हो जाते हैं और सल्फेट आयन अलग हो जाते हैं, जबकि ये जो एक्वस जिंक सल्फेट बन रहा है, एक्वस जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक्वस सॉल्यूशन में ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट होता है और यह भी पूरी तरह से डिसोसिएटेड फॉर्म में जिंक आयन और सल्फेट आयन के फॉर्म में होगा और साथ में यह मेटालिक कॉपर। डेफिनेटली वहां पर इस तरह की एक रिएक्शन हो रही है। अब जरा सोचिए इस रिएक्शन को जो हम देखते हैं, तो रिएक्शन के दौरान जिंक तो जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर आयन मेटालिक कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, सल्फेट आयन ऐसा का ऐसा ही प्रोडक्ट साइड में, ऐसे सल्फेट आयन इज नॉट एट ऑल पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। सल्फेट आयन का इस रिएक्शन में किसी तरह से कोई पार्टिसिपेशन नहीं दिख रहा है, जिस तरह से वहां रिएक्टेंट साइड है उसी तरह से वहां प्रोडक्ट साइड दिख रहा है। मैं दोबारा इस रिएक्शन को लिखता हूं और मैं कहता हूं कि बेसिकली वहां जो रिएक्शन हो रही है वह मेटालिक जिंक और कॉपर आयन में हो रही है, मेटालिक जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर आयन रिड्यूस हो रहा है, बेसिकली वहां पर यह रिएक्शन। यह जो रिएक्शन हो रही है इस रिएक्शन को भी हम वहां पर दो स्टेप में होता हुआ सोच सकते हैं। हम कह सकते हैं जिंक इलेक्ट्रोड का जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है जिंक आयन में और सॉल्यूशन के अंदर जा रहा है और इस तरह से ऑक्सीडाइज होते समय वहां दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ मेटालिक जिंक जो कि जिंक रॉड पर है, जिंक रॉड का एक जिंक एटम दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालकर जिंक आयन बनके सॉल्यूशन के अंदर जा रहा है और जिंक आयन के द्वारा रिलीज करे गए दोनों इलेक्ट्रॉन कॉपर आयन एब्जॉर्ब करके रिड्यूस हो जा रहा है मेटालिक कॉपर। हम कहते हैं दिस इज हाफ
ऑक्सीडेशन रिएक्शन और कॉपर आयन इन दो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके कॉपर मेटल में रिड्यूस हो रहा है. दिस इज टर्म्ड एज हाफ रिडक्शन रिएक्शन. और इस तरह से ओवरऑल वहां पर यह फिनोमेना हो रहा है जिंक कॉपर आयन के साथ में गिविंग यू जिंक आयन एंड मेटालिक कॉपर. इस रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है ऑक्सीडेशन भी हो रहा है. दिस इज टर्म्ड एज पुल रेडॉक्स रिएक्शन. और इस फुल रेडॉक्स रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है. जिंक का इलेक्ट्रॉन कॉपर आयन के पास में जा रहा है. ड्यूरिंग दिस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन केमिकल पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग. इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के दौरान केमिकल पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है. And right now in this situation that chemical potential energy is going into waste. वह पूरी तरह से waste जा रही है. जब zinc का atom अपना electron copper ion को दे रहा है स्वयं oxidize हो रहा है. इस phenomena के दौरान zinc की chemical potential energy कम हो रही है. जब copper ion ने दो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करा कॉपर मेटल में रिड्यूस हो गया इस दौरान कॉपर आयन की भी केमिकल पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस हो रही है. और यह रिड्यूस होती हुई पोटेंशियल एनर्जी यह पूरी तरह से व्यर्थ जा रही है वेस्ट जा रही है. हो सकता है इस फिनोमेना के दौरान यह सॉल्यूशन का कुछ हीटिंग इफेक्ट हो और वह एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाए किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो. यह बात निश्चित है कि यह एनर्जी पूरी तरह से व्यर्थ जा रही है. और हमारा प्रयास बस यही है कि किसी भी तरह से इस व्यर्थ जाती हुई एनर्जी को उपयोग में लाया जाए इसका सदुपयोग करा जाए. इस गिरती हुई केमिकल पोटेंशियल एनर्जी को किसी तरह से यदि हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया यदि इस गिरती हुई केमिकल पोटेंशियल एनर्जी से हमने इलेक्ट्रिकल वर्क करवा लिया तो जिस डिवाइस में जिस सेटअप में हम इस काम को कर देंगे उसी सेटअप को हम गैल्वेनिक सेल कहेंगे. गैल्वेनिक सेल में किसी भी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के दौरान डिक्रीज होती हुई केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल वर्क करवाया जाएगा या उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा जाएगा. कैसे करेंगे हम वही बात सीखना चाहते हैं. मगर उसको सीखने के पहले हम एक बात देखें. यदि कॉपर सामने हो तो जिंक एटम की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी होती है जो कि हमें इस केमिकल रिएक्शन में इस स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन में साफ साफ दिख रहा है. यदि कॉपर आयन सामने हो तो जिंक एटम की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी होती है. दिस टेंडेंसी ऑफ जिंक एटम टू गेट ऑक्सीडाइज्ड वी कॉल इट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक. अब ऐसा क्यों है ऐसा काहे को है हमें इस बात से मतलब नहीं है. ये जिंक का अंदरूनी मामला है इंटरनल मैटर है. Definitely, it's due to its electronic configuration. उस electronic configuration में outermost orbit में दो electron का होना और उस दो electron के release हो जाने से एक stable octet मिल जाना. उस stable octet को obtain करने के लिए zinc की ऐसी tendency है. Zinc की tendency है zinc atom की tendency है कि कोई उससे दो electron ले ले और वह जिंक आयन बन जाए. जिंक की इस टेंडेंसी को हम कहते हैं
tendency of zinc to get oxidized or oxidation potential of zinc. इसी तरह से हम देखें जिंक एटम के सामने कॉपर आयन की रिड्यूस होने की टेंडेंसी. कॉपर आयन चाहता है कि उसे कहीं से दो इलेक्ट्रॉन मिल जाए और वह मेटालिक कॉपर बन के शांति से रहे. अब ऐसा क्यों चाहता है, काहे को चाहता है, किस वजह से चाहता है, वंस अगेन हमें इस बात से अभी कोई खास मतलब नहीं है. वंस अगेन मैं कहता हूं यह उसका अंदर का मामला है, यह उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका एटॉमिक साइज या आयोनिक साइज इस वजह से हो सकता है. अभी तो हमें यह बात बिल्कुल साफ साफ दिख रही है, इसलिए हम बोल रहे हैं कॉपर आयन दो इलेक्ट्रॉन लेकर रिड्यूस हो रहा है और यह ऐसा तभी कर रहा है जब उसकी इच्छा है. ये जो कॉपर आयन की इच्छा है कि दो इलेक्ट्रॉन लेकर रिड्यूस होना, हम इसे कहते हैं द टेंडेंसी ऑफ कॉपर आयन टू गेट रिड्यूस. And this tendency of copper ion to get reduced, we call it reduction potential of copper ion. एक बात पक्का है, अलग अलग आयन्स की यह रिड्यूस होने की टेंडेंसी अलग अलग होती है, क्योंकि सभी आयन की स्थिति अलग अलग. यदि मैं कंपेयर करूं कॉपर आयन की और कॉपर आयन को कंपेयर करूं मैं सोडियम आयन से, तो हम अच्छी तरह से जानते हैं भाई सोडियम आयन वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि उसके पास दोबारा इलेक्ट्रॉन लौट कर आए और वो सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाए. हम कहेंगे सोडियम आयन के रिड्यूस होने की टेंडेंसी न के बराबर है या काफी कम है, और उसके मुकाबले कॉपर आयन की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है सोडियम आयन के मुकाबले. कॉपर आयन फिर भी रेडिली इलेक्ट्रॉन ले लेगा और कॉपर मेटल में रिड्यूस हो जाएगा. इसी तरह से ढेर सारे ऑक्सीडाइजेबल स्पीशीज है और सभी ऑक्सीडाइजेबल स्पीशीज की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है, मगर यह टेंडेंसी अलग अलग है. जिंक एटम की आपको ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी दिख रही है. इफ यू कंपेयर इट विथ मैग्नीशियम एटम, हम कहेंगे मैग्नीशियम एटम की भी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है और मैग्नीशियम एटम की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी जिंक के मुकाबले कहीं ज्यादा होगी. हम कहते हैं अलग अलग ऑक्सीडाइजेबल स्पीशीज का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अलग अलग है, अलग अलग रिड्यूसिबल स्पीशीज का रिडक्शन पोटेंशियल अलग अलग है, और इन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल रिलेटिवली इनकी वैल्यू इस बात पर निर्भर करेगी कि उनका एटॉमिक साइज कितना है या आयोनिक साइज कितना है या उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है या ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने के बाद जो उनका स्टेट बन रहा है वो कितना स्टेबल है या कितना अनस्टेबल है. इस आधार पर किसी भी ऑक्सीडाइजेबल स्पीशीज का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और किसी भी रिड्यूसिबल स्पीशीज का रिडक्शन पोटेंशियल निर्भर करेगा. मैं इसी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को कंसेप्चुलाइज करना चाहता हूं, और इसे कंसेप्चुलाइज करने के लिए मैं एक डिवाइस, एक सेटअप कंस्ट्रक्ट करता हूं. जरा ध्यान से देखेंगे, मैं इसे साफ कर रहा हूं.